कितने प्रकार के आपके पास पेड़ हैं? हमारा पास हमारा पास कम से कम 20 प्रकार का पेड़ है। तो देखिए बाबा भी पानी ला रहा है पेड़ पौधे में लगाने के लिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ गाइस। देखिए गाइस, अभी दिव्यांश मैच खेल रहा है। देखो इधर, देखो बेटा, ए दिव्यांश, इधर मेरी दादी लेटी हुई है। पूछते हैं तबीयत वबीयत तो नहीं खराब है? दादी तबीयत नहीं खराब है? नहीं, ठीक है। तब लेटी क्यों हो अभी? तो दादी बोल रही तबीयत नहीं खराब है, ऐसे लेट गई थी बस। गाइस ये भैया आए हैं ना आम के पेड़ बेचने, तो इन्हीं से आम के पेड़ लेते हैं, तो उसके बाद लगाते हैं। देखो लगा लगा लगा, फटाक खींचो। कैसे? हाय करो, हाय करो, हाय हाय, गुड बाय। कितने प्रकार के आपके पास पेड़ हैं? हमारा पास कम से कम 20 प्रकार का पेड़ है। 20 प्रकार का? अरे काका, सारे दुनिया सब महंगा, सब कलम देखिए कलम किया गया है, ठीक है। और 100 रुपए का एक दिया इसने, ये दो पेड़। और देखो बाबा वहाँ पे अभी खुदाई कर रहा है, वहाँ पे भी लगा देंगे पेड़ को, और एक वहाँ आगे लगाएंगे। तो दो पेड़ लगा देते गाइस, ताकि आम उम भी मिले यार खाने को। देखिए यहाँ पे अनकेत उधर है, ये आशीष है, और बाबा उधर में देखो खुदाई कर रहा है अभी। दशहरी है तो गाय, ये दशहरी पेड़ है, कलमी किया हुआ। छोटा छोटा पेड़ रहेगा ना तभी फरने लगेगा। देखिए बाबा बोल रहा है दशहरी है। तो गाइस पेड़ को लगा दिया हमने, और देखो अभी ना इसके चारों तरफ ना थोड़ा ऐसे गोल टाइप बना देंगे, ताकि पानी उनी इसमें देने में आसानी रहे और पानी बगल ना जाए, उसी के अंदर रहे। देखो दोस्तों, एक पेड़ हमने वहाँ पे लगा दिया, और एक पेड़ ना यहाँ पे लगाना है। और देखो ये बांस और सब यार यहाँ पे अभी भी काट के निकाल देंगे, ताकि पेड़ में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बांस को उधर कर दे रहे हैं, काट के निकाल दे रहे हैं। और यहाँ पे एक पेड़ अभी बैठाना है। तो गाइस ये टुंगली आ गया, और बांस को अब जा रहे हैं काटने, तो फटाफट से काट के उसके बाद आपसे मिलते। तो दोस्तों देखिए ना, हम लोगों ने बांस वस काट दिया, और यहाँ पे अब खुला हो गया, और अब यहाँ पे एक पेड़ लगा रहे हैं। अनकेत अभी खुदाई कर रहा है, यहाँ पे एक पेड़ लगा देंगे, और एक पेड़ तो यहाँ पे लगाए हुए हैं। इधर में ना देखो वहाँ पे पत्थर गड़ा है ना, उस पत्थर से इधर हमारा है, उधर दूसरे का है, तो इस तरीके से है। और देखो यहाँ पे भी पेड़ लगा देंगे ना, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। देखो पेड़ में डालने के लिए पानी, तो देखिए मेरा बाबा पानी ले आया पेड़ में डालने के लिए। उधर में नल है, वहाँ से पानी सीधा यहाँ पे आ रहा है, और पेड़ में भी डाला जा रहा है। देखो तो गाइस यार पोपट हो गया यार, हमें पेड़ अभी नहीं लगाना चाहिए था। दूसरे भैया आए ना, तो उन्होंने बोला अभी पेड़ नहीं लगाना चाहिए था, उसको थोड़ा रेस्ट करने देना चाहिए था, उसके बाद शाम में पेड़ लगाते ना तो बराबर लगता, और खाद वोद भी डालना चाहिए था यार। खाद वोद तो कुछ नहीं डाले, वो लगा दिए यार। अब तो देखो क्या होता है, पता नहीं पेड़ लगेगा कि नहीं लगेगा, अब तो देखो। और देखो यार लगा दिए पेड़, और इसके चारों तरफ ना डंडा उंडा गाड़ रहे हैं, क्योंकि ना गाइस बकरिया उकरिया सब आती है ना, तो खा हो जाएंगी। इसके लिए थोड़ा इसका छिकाई उगाई कर देते हैं, थोड़ा उसको साइड से बांध देते हैं, ताकि कोई बकरी उकरी ना खा पाए। लेकिन यार अब क्या करेंगे, पोपट तो हो ही गया, क्योंकि भैया बोल रहे हैं यार
कि पेड़ शाम को लगाने में थोड़ा अच्छा रहता है और थोड़ा मतलब पेड़ लग जाता है सही ढंग से। और देखो यार अब तो हम लोग सुबह में ही लिए और उसके बाद लगा दिए, और जिनसे लिए थे पेड़ ना वो दूसरे भैया थे वो बोले भी नहीं यार कि किस तरीके से लगाना चाहिए था, और हमें किसी को पता नहीं था और लगा दिए हमने पेड़। चलो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों पेड़ ओड़ को चारों तरफ से देखो यार एकदम पूरा ढक उक दे ताकि बकरियां वकरियां ना खा पाए। तो देखिए मैच खेल रहा है, देखो मैच खेलो। इधर मेरी दादी लेटी हुई है, पूछते हैं तबीयत वबीयत तो नहीं खराब है। दादी तबीयत नहीं खराब है? नहीं। ठीक है? तब लेटी क्यों हो अभी? लेट गई थी। तो दादी बोल रही तबीयत वबीयत नहीं खराब है, ऐसे लेट गई थी बस। ये गाइस ना दिव्यांश अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे कपड़ा सूखने के लिए इसकी मम्मी लटका के गई ना रस्सी पे, और उसके नीचे देखो खड़ा होके भीग रहा है। इसको पानी से बिल्कुल नहीं डर लगता यार देखो, और ठंडक का दिन है ना और फिर भी ये इसको ठंडी नहीं लग रहा है। देखो नीचे उसके खड़ा है ताकि ऊपर इसके पानी गिरे। देखो देखो कितना खुश हो रहा है, इसको पानी से बिल्कुल नहीं डर लगता। देखो देखो क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करने देंगे गाइस क्योंकि इसको सर्दी वर्दी लग जाएगी। देखो हे इधर आ चल। तो गाइज पेड़ उड़ा लगा दिए हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो ना गाइज तो फटाफट से यार सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं आप लोगों से न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।